हाँ तो भाई स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम खेलने वाले हैं GTA 5 और एक्सपीरियंस करने वाले लिबर्टी सिटी मैप को। तो गाइस आज मैंने ये लिबर्टी सिटी का मैप जो है वो इंस्टॉल किया अपने GTA 5 के गेम में। तो गाइस माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्टडी में बहुत ज़्यादा बिजी था एंड जैसे स्टडी से फ्री हुआ तो मैं आपके लिए लेके आ गया एक और मज़ेदार वीडियो। तो गाइस अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आप मेरे पहले से ही व्यूअर्स हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को और एक्सपीरियंस करने वाले लिबर्टी सिटी मैप को। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक कार है जो कि मर्सिडीज की कार। तो आज हम इस मर्सिडीज की कार से ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं यहाँ की सड़कों का और यहाँ पे ट्रैफिक का क्या ही कंडीशन है वो भी देखने वाले गाइस। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें वो सही से रन कर रही है या फिर नहीं, हमें क्या क्या मतलब कि लिबर्टी सिटी में देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले गाइस। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ये हैवी ड्राइवर मिल ही जाता है जो कि भाई यहाँ पे बस ठोक के खड़ा हुआ है। पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया भाई इस बंदे ने और ये पब्लिकली एक बस चला रहा है जो कि यहाँ पे पब्लिक जो होती है वो यहाँ पे सफ़र करती है उस बस को। भाई ये देखो क्या कर रहा है भाई, ये यहाँ पे पीछे से भाई पूरी उठा दी इसने। तो भाई ये तो पता नहीं क्या करना चाह रहा है, वैसे पूरा जाम कर दिया इसने रोड ही। तो यहाँ के जो ड्राइवर्स है थोड़े बहुत मुझे लगता है भाई सच में ही पागल है यहाँ के ड्राइवर्स, क्योंकि सबको जल्दी है। और यहाँ पे भाई इसको तो कित ज़्यादा ही जल्दी थी भाई, रोड जाम कर दिया वहीं से टर्न ले लिया। भाई क्या ही सीन है ब्रो, मुझे लग रहा है कि उसने वहाँ पे एक पैसेंजर को ड्रॉप किया और वहीं से भाई यू टर्न ले लिया कि भाई मुझे जल्दी है, मुझे पहले जाना है और आज तो घर पे खिचड़ी बनी होगी उसमें जाके दूध मिला के खाऊंगा। तो भाई चलो कोई बात नहीं, अभी कि उसको जो लगा वो करने देते हैं। और यहाँ पे ओ भाई साहब क्या ही कार खड़ी थी भाई, मुझे लगा कि कोई अच्छी सी कार है कंपनी की, मैं तो चोरी करने के लिए जाने वाला था, बट कोई नहीं भाई छोड़ो यार, हमारे पास इनसे ज़्यादा कीमती कार है यार। इतनी अच्छी कार के साथ में हम यहाँ पे घूम रहे हैं तो यार हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे जो ये सड़कें हैं भाई, इसमें चलाने में ऐसे लग रहा भाई जैसे कि मक्खन चला रहा है बिल्कुल एकदम। स्टेयरिंग भी अपने आप ही वर्क कर रहा है ऐसा लग रहा भाई, बिल्कुल कोई मतलब कि रोड से जो आवाज़ आती है ना वो आवाज़ नहीं आ रही भाई, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारी कार का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, यहाँ पे अलग ही फील आ रही है भाई यहाँ पे। एंड ये भाई एक बार मैप देखो यार कितना ही खतरनाक है, यहाँ पे लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है। एंड यहाँ पे अगर बात करें भाई ट्रैफिक की तो ट्रैफिक जो भी है वो सही से वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे बात करें जितने भी पैड्स हैं वो भी अच्छे से रन कर रहे हैं और यहाँ पे अभी तक हमारा जो गेम है वो भी क्रैश नहीं हुआ है। तो चलिए और एक्सपीरियंस करते हैं एंड देखते हैं भाई और क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे अभी हमने फिलहाल गाइज यहाँ पे जाएंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिटी भी देखेंगे, उसके पास भी जाएंगे एंड नाइट में कैसा होता है सिटी का व्यू वो भी देखेंगे। एंड ये देखेंगे कि हम कुछ क्राइम करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पीछे पुलिस पड़ती या फिर नहीं, यानी कि हमारी जो पुलिस है वो लिबर्टी सिटी में अच्छे से वर्क करेगी या फिर नहीं, हमें चेज करेगी या फिर नहीं, तो देखेंगे गाइस सब कुछ। और यहाँ पे मैं आज को मेन सिटी में और यहाँ पे देखो भाई क्या ही खतरनाक लुक लग रहा है भाई लिबर्टी सिटी का। तो गाइस जिस जिसको लिबर्टी सिटी मैप पसंद है वो कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि किस किस को लिबर्टी सिटी मैप पसंद है और जिसको लॉस सैंटोस मैप पसंद है वो लॉस सैंटोस को वोट करना। तो गाइस दोनों को वोट करना, आपको कौन सा मैप अच्छा लगता है। वैसे अगर मैं वोट करूं तो गाइस मुझे दोनों ही मैप अपने अपने कंडीशन में अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे चलो एक मुझे ये शॉप दिखे पहले, तो इसके अंदर जाके कुछ खा पी लेते हैं भाई। और वेट भाई यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई वर्कर ही नहीं दिख रहा भाई, यहाँ पे पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है भाई, पहले इसकी सफाई करवा भाई। ये लिबर्टी सिटी में ऐसा हाल है भाई, अगर सफाई के मामले में देखो तो भाई ऐसी सोप की गंदगी देख के मुझे लग रहा किसी का या तो बर्थडे था, नाइट को बर्थडे पार्टी थी। एंड यहाँ पे साफ़ सफाई सुबह आ जाकर खोल कर करेंगे। तो अभी 7:45 हो रही है तो यहाँ पे 10 के आसपास ये सोप जो है वो खुल जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है, उसके बाद यहाँ पे रन करने लग जाए। आई डोंट नो भाई क्या ही सीन है कि ये ऐसे ही रहेगी या फिर रन भी करेगी, मुझे इतना खास नहीं पता है, अभी मैंने इंस्टॉल किया है तो अभी मेरे को क्या ही पता होगा गाइस। तो चलिए अभी चलते हैं और भी सफ़र करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वैसे अगर मैं बात करूं यार लिबर्टी सिटी की तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड मुझे भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ की ट्रैफिक की बात करूँ तो भाई ट्रैफिक भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, जितनी भी कार्स हैं प्रॉपर वर्क कर रही है। और यहाँ पे मुझे भाई राइट में जाना है, सॉरी ओके भाई, यहाँ पे मेरे को फाइनली भाई रास्ता तो दिया जाने के लिए, वरना भाई यहाँ पे सीधा क्या कर देना, रास्ता नहीं देते सीधा ठोक देते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे से मोड़ा। और यहाँ पे भाई लिबर्टी कैमराज, ओके गाइस यहाँ पे कैमरा मिलते हैं, आप व्लॉग्स वगैरह भी बना सकते हो यार, यहाँ पे कैमराज भी मिल रहे। और यहाँ पे एक और शॉप है,
ओके वहाँ पे भी कैमरास मिल रहे भाई, ओके नाइस यार। हाँ देखो यार, देख लिबर्टी सिटी में अगर कोई भी आएगा घूमेगा तो यहाँ की जो भी ये नेचुरल जो भी चीज़ें हैं इनको कैप्चर करने की सोचेगा, एंड बहुत सारी चीज़ें भाई यहाँ पे है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। तो मुझे यहाँ से लेफ्ट में जाना था, मैं सोचा था कि मैं लेफ्ट में जाऊँगा, बट यहाँ पे आप देखो गाइस क्या होता है, ये जो जाने वाला रास्ता है भाई वहाँ पे भी गाड़ियाँ अड़ा कर खड़े हो गए भाई, जाके दिखा दो तुम भाई क्या ही सीन है भाई, क्या बोले यार। अभी फिलहाल तो चलते हैं हम इधर से, एंड ओके हम जाने वाले हैं राइट में, एंड राइट में भी भाई अच्छा ट्रैफिक, भाई अगर मैं बोलूँ पैड्स की एंड ट्रैफिक्स की तो सब चीज़ें जो है अच्छे से रन कर रही है, और जो गेम भी वो भी अच्छे से अभी तक चल रहा है, और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई सच में। मैं अगर बात बोलूँ भाई, अगर लॉस सैंटोस भाई खेल खेल के एकदम मतलब बोरियत सी आ गई थी, तो यहाँ पे आज लिबर्टी सिटी खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गाइस मैं आपके लिए एक स्टोरी भी क्रिएट कर दूँ, लिबर्टी सिटी भी भाई आ चुका है अपना, तो जैसे मैं पहले स्टोरी बनाता था वैसे ही मैं वापस से स्टोरी भी बनाऊं, तो मुझे लग रहा है कि मेरी जो स्टोरीज़ है वो आप लाइक करोगे। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं स्टोरीज़ भी बनाऊं, स्टोरी का पार्ट बनाऊं, मेरा 12वां पार्ट आई थिंक मेरा रह चुका है, क्योंकि भाई मैं स्टडी में थोड़ा बिजी हो गया था, तो कोई बात नहीं यार अभी स्टडी से फ्री हो चुके हैं, अभी तुम्हारा भाई थोड़ा फ्री हो चुका है, तो मतलब कि वीडियोज़ आने वाली है भाई, अभी दबा के वीडियोज़ आएंगी, आप बस खुश भाई। अब मेरा काम है आपको इंटरटेनमेंट देना, तो आप जब तक इंटरटेन नहीं हो गए तब तक भाई अपन रुकेगा नहीं। लेकिन भाई क्या है ना कि पेरेंट्स को चाहिए स्टडी फर्स्ट, सो कुछ कर नहीं सकते गाइस, तो इसलिए स्टडी पे फोकस किया। एंड ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों पे फोकस नहीं करता हूँ गाइस, आप लोगों पे भी फोकस करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मेरे को कम से कम 15 से 20 मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका ये मैसेज आया कि भाई लिबर्टी सिटी है उसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ यार, मेरे को लिबर्टी सिटी चाहिए, तो इसलिए मैंने यार ये लिबर्टी सिटी का, अब मेरे को लगा कि भाई जब 15 से 20 कर रहे हैं तो मतलब कि बहुत सारे बंदों को इसकी नीड है, क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम हाल ही में बनाया, तो आप जाकर फॉलो भी कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, एंड मैं इंस्टाग्राम पे अभी एक्टिव नहीं हुआ, इसमें एक्टिव हो जाऊंगा यार, मेरे को थोड़ा वक्त लगेगा, तो माफ़ करना जिनका भी मैंने मैसेज नहीं देखा है, मैंने जो मैसेज चेक नहीं किया तो दिल से माफ़ी मांगता हूँ गाइस, माफ़ कर देना। एंड अब तुम करोगे तो मैं करूँगा यार, सीन करूँगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने अभी पिछले वाले कुछ वीडियो में जब मैंने एक मोड दिया था, आई थिंक मैंने जो पिछले वर्जन की जो फाइल दी थी उसमें मैंने 500 से 600 बंदों को रिप्लाई किया था, हर बंदे को रिप्लाई किया था, एंड जो भी उन्होंने एडवाइस मांगी सबको एडवाइस दी थी, और सबका गेम मैंने जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि गाइस मैंने 80% लोगों का गेम जो है वो चलवाया था, और ये कोई आसान काम नहीं है भाई 80% लोगों का गेम चलवाना। तो फाइनली गाइस यहाँ पे अभी रात का एक्सपीरियंस करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पीछे जो पुलिस है वो लगती या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं 2-3 बंदे घूम रहे होंगे, उनको ठोक दूंगा, एंड उसके बाद हमारे पे एक केस हो जाएगा, एंड फिर देखते हैं कि गाइस हमें जो पुलिस है वो चेज करती या फिर नहीं। मतलब कि अब ये लिबर्टी सिटी में ये भी हो जाने गाइस कि मतलब कि जो हमारा मोड है वो सही से नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वर्क्स नहीं करती हैं। तो अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो इसका फुल वीडियो इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं बनाऊँ, वो मैं फुल डिटेल में बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ये इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप भी देख लो कि इसमें कोई क्रैश नहीं आएंगे। मेरा ये मेन ये वीडियो बनाने का यही रीज़न था कि मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा जो गेम है वो सही से चल रहा है, यहाँ पे क्रैश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पीछे पुलिस भी लग चुकी है, अभी मैं देखता हूँ गाइस कि यहाँ पे पुलिस की कार्स कहाँ कहाँ से आ रही है। ओके एक पुलिस वाला आ चुका है, ओके अभी इसने यार गन नहीं चलाई, अभी ये देखना ये होगा कि गन्स चलती है या फिर नहीं, ये गन्स चलाते या फिर नहीं। मैं गन्स नहीं चलाऊंगा, पहले ये देखूंगा कि ये मुझे अरेस्ट करने आते हैं या फिर सीधा गन्स चलाते हैं। तो चलिए गाइस अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ पुलिस वाले नहीं दिख रहे मुझे, थोड़ा सा मैं इनसे दूर जाके देखता हूँ कि ये मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ओके गाइस यहाँ पे 3-3 बंदे भाई क्या ही खतरनाक ड्राइविंग करके आए, और यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, अभी मैं देखता हूँ गाइस कि आके मुझे अरेस्ट करते हैं या फिर गोलियाँ चलाते हैं। ओके गाइस जैसे लॉस सैंटोस में कर रहे हैं वैसे ही गोलियाँ चला रहे हैं, प्रॉपरली रन कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ नया नहीं हुआ, सेम वही लॉस सैंटोस, मतलब कि सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे अभी मैं भागने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ कि हम जो जिस ब्रिज से हम आए थे वो ब्रिज वापस से हम उस ब्रिज से लॉस सैंटोस जाते हैं तो गेम क्रैश होता है या फिर नहीं। तो चलिए गाइस अभी फ़िलहाल हम तो थोड़ा बहुत इस पुलिस वालों को भगाएंगे, एंड उसके बाद में सीधा चलेंगे अपने ब्रिज से लॉस सैंटोस की गलियों में। तो गाइस पहले तो यहाँ पे थोड़ा मज़ा लेने वाले हैं, एंड मार के देखते हैं पुलिस वालों को कि
मतलब कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो यार थोड़ा बहुत मज़ा भी तो लेंगे ना, फ़न तो करेंगे ना गाइस। पुलिस वालों को भी मारते थोड़ा बहुत। अभी यहाँ पे कुछ पुलिस वाले की गाड़ी है तो यहाँ पे देखते गाइस। अबे कहाँ गए भाई सभी पुलिस वाले, भाई खो गए क्या कहीं पे? ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइस कि यहाँ पे कोई तो कार होगी पुलिस वाले की। नहीं यार यहाँ पे भी नहीं है, मुझे दिखा तो रहा भाई मैप में। ऑलराइट, तो मैं ही गलत आ गया था, वैसे मेरे को लेफ्ट जाना था। एंड ये लो भाई ये आ गया, और ये देखो भाई पूरा गाड़ी पे डेंट भी डाल दिया, क्या ही गंदी टक्कर मारी भाई। और यहाँ पे भाई पूरी गाड़ी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अभी इसको दूसरी गाड़ी को चुराते और चलते यहाँ से। और ये पुलिस वाला तो भाई कुछ ज़्यादा ही गोलियाँ मार रहा है, तेरी भैंस की टांग अभी तो, इसको भाई थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। तो यहाँ पे भाई इसको एक दो गोलियाँ मैंने चपका दी और यहाँ से निकलते हैं फटाक से और चलते हैं अपने लॉस सैंटोस में। तो गाइस फिलहाल तो मुझे ये देखना होगा कि अगर हम लिबर्टी सिटी से लॉस सैंटोस जाते तो हमारा जो ब्रिज है वो वर्क करता है या फिर नहीं। आने के पे तो मेरा वर्क किया था, अभी जाने पे वर्क करता है या फिर नहीं ये देखते हैं। तो सामने देखो आज वो रहा एक ब्रिज, उसी से हमें लॉस सैंटोस जाना पड़ेगा वापस से। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते हैं एंड चलते हैं लॉस सैंटोस और देखते हैं भाई हमारा गेम जो है वो अच्छे से हमें वापस से लॉस सैंटोस पहुंचा देता है या फिर नहीं। क्योंकि जब आप लॉस सैंटोस के ब्रिज के पास में जाते हैं तो आपका गेम जो है वो वहाँ पे इंटर होता है और ब्लिंक हो जाता है आपका गेम। यानी कि इंटर होने के बाद में मैप जो चेंज होता है ना गाइस, उसमें थोड़ा सा पुश लगता है एकदम, मतलब स्क्रिप्ट वी का पुश होता है ना जो गाइस वो फाइल्स को रन करने वाला पुश वो होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लिंक होगा गेम एंड उसके बाद आपका एकदम से लॉस सैंटोस में एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं हमारा गेम जो वो क्रैश होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे फुल स्पीड में भगाएंगे अपनी कार को एंड देखने वाले हैं कि हमारा जो गेम है वो क्रैश होता है या फिर सही से रन करता है। तो यहाँ पे फुल स्पीड में यहाँ पे ओके गाड़ी तो है, यानी कि मतलब कि यहाँ पे रात के बाद में सुबह के बाद में गाड़ियाँ चलती हैं, सुबह सुबह बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं। तो गोल्ड राइड गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ब्लिंक हुआ था एंड उसके बाद में हम सीधा लॉस सैंटोस के इस वाले ब्रिज पे आ गए। तो यहाँ पे आप रोड को देख सकते हो गाइस, जो रोड है हमारा वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये लॉस सैंटोस का रोड है इसलिए यहाँ पे ब्लिंक होता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर जो होते हैं वो चेंज होते हैं इसलिए यहाँ पे ब्लिंक करता है और वापस से आपका गेम जो है वो सही से चलने लग जाता है। मतलब कि क्रैश नहीं होता है, वो थोड़ा ब्लिंक होगा, वो एक सेकंड का ब्लिंक होता है। वो आपको पता होगा जब हम किसी चीज़ में इंटर करते हैं, ई प्रेस करके इंटर करते हैं तो वहाँ पे जो ब्लिंक होता है ना वो मैप की जो मैप को ओपन करता है, तो वो वाला सीन है। और कोई भी चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कोई बड़ी चीज़ आप जब इसको रन करोगे, जिनके पास होगा उनको पता होगा और जिनके पास नहीं है वो इंस्टॉल करने के बाद जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा था वो क्या, उसका मतलब क्या था। तो फाइनली गाइस ये तो हमने जो ग्राइंड करना था, हमने जो लिबर्टी सिटी का एक्सपीरियंस करना था, मतलब कि जो जो चीज़ें सही से वर्क कर रही है या फिर नहीं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा लिबर्टी सिटी का जो मैप है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो इस वीडियो पर पूरे 500 लाइक करवा दो गाइस जल्दी से।